अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सांझी न्यूज़ और मैं हूं जुहेर खान। सबसे पहले आज की हेडलाइन। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मरहबा। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर सू खुशियां ही खुशियां। मस्जिद में नमाज फजर के बाद मुल्क की सलामती के लिए दुआएं। वफाक और सूबों में तोपों की सलामी से दिन का आगाज हुआ। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ईदों की ईद पर घरों गलियों बाजारों और इमारतों की सज धज निराली। शहर शहर करिया करिया आशिकाने मुस्तफ़ा की रैलियां और जलूस। महाफले मिलाद का एहतमाम, फजाएं दुरूद सलाम की सदाओं से मुअत्तर। जश्न ईद मिलादुन्नबी पर मुल्क में सख्त हिफाजती इंतजाम। जुलूसों के रूट्स पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात। पंजाब सिंध और बलोचिस्तान के कई इजला में मोबाइल फोन खामोश। कराची और कोयटा में डबल सवारी पर पाबंदी आए। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की कौम को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। इमरान खान का पाकिस्तान को रियासत मदीना के तर्ज पर ढालने का अज़्म। इस्लामाबाद में जारी इंटरनेशनल रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस का आखिरी रोज आरिफ अलवी खताब करेंगे। इक्तिसादी तरक्की के लिए महातीर मोहम्मद के तजुर्बात से इस्तिफादा करेंगे। वजीर आजम इमरान खान के मलेशियन हमनसब के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। महातीर मोहम्मद मार्च में पाकिस्तान आएंगे। दोनों ममालिक का मुजाकरात और मुख्तलिफ शोबों में तआवुन जारी रखने पर इत्तेफाक। वजीर आजम की मलेशियन हम मनसब से मुलाकात। वीजों के जज्वी खात्मे का मुआहिदा। इमरान खान और महातीर मोहम्मद में दो तरफा उमूर और तजारती रवाबत के फरोग पर तबादला ख्याल। मलेशिया पहुंचने पर वजीर आजम पाकिस्तान का शानदार इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। चीफ जस्टिस का दौरा बरतानिया। डैम्स फंड रेजिंग की तकारीब में शिरकत करेंगे। जस्टिस साकिब निसार का लंदन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। कहते हैं मुल्क में सिलेक्टिव नहीं एक जस्टिस सिस्टम है। अदालती इस्लाहात के नतीजे जल्द सामने आएंगे। सवार के इलाके मट्टा में मार्टर गोला फटने से तीन बच्चे जा बहक, चार जख्मी हो गए। मट्टी खोदते हुए बच्चों को मार्टर गोला मिला, खेलने के दौरान फट गया। वाकये में जख्मी बच्चे अस्पताल में जेर इलाज। मुल्तान में अलमनाक हादसा। पटरी के साथ चलने वाले चार नौजवान ट्रेन की जद में आकर जा बहक। हॉर्न देने के बावजूद नौजवान ट्रैक से नहीं हटे। रेलवे पुलिस का मौके, वाकये की तहकीकात जारी। अफगान दारुल हुकूमत दहशतगर्दी के निशाने पर काबुल में मजहबी इज्तमा में खुदकुश हमले में हलाकतें 50 हो गईं। दर्जनों जख्मी अस्पतालों में जेरे इलाज। वजीर आजम इमरान खान का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान की भारतीय फौज के हाथों कश्मीरी रहनुमा हफीजुल्ला मीर के कत्ल की मजम्मत। तर्जमान दफ्तर खारजा का OIC के बयान का खैर मकदम। अक़वामे मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक की सिफारिशात पर अमल दरामद का मुतालबा। हुर्रियत रहनुमा हफीजुल्ला मीर का कत्ल। मकबूजा वादी में कल हड़ताल। नमाज जुमा के बाद श्रीनगर समेत मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज की कॉल। सैयद अली गिलानी, मीर वायस और यासीन मलिक की हफीजुल्ला मीर के कत्ल की मजम्मत, तहकीकात का मुतालबा। जमाल खाशोगजी का कत्ल, अमरीकी सदर का एक और यूटर्न। ट्रंप का कहना है हो सकता है तमाम हालात के बावजूद सऊदी अरब साबित कदम दोस्त रहेगा। अमरीकी सेनेटर का खाशोगजी के कत्ल में मोहम्मद बिन सलमान के मुबैना किरदार की तहकीकात का मुतालबा। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे।
चीन में स्कूटर सवार को मौत, दो बार छूकर गुजर गई। ट्रॉलर से टक्कर के बाद नौजवान सड़क पर गिरा, सामने से आता दूसरा ट्रॉलर स्कूटर को घसीटकर साथ ले गया। हादसे में नौजवान मौजसाती तौर पर महफूज रहा। समुद्री आलूदगी आबी हयात को निकलने लगी। इंडोनेशिया में मुर्दा व्हेल के पेट से 6 किलो प्लास्टिक बरामद। व्हेल के पेट से प्लास्टिक की 4 बोतलें, 25 बैग्स, 115 कप और 3 किलो रस्सियां मिली। समंदर को आलूदा करने में इंडोनेशिया का दूसरा नंबर। बरसों में तामीर, लम्हों में मलबे का ढेर। चीन में मुद्दत पूरी होने पर कोल पावर प्लांट की 2 चिमनियों को गिरा दिया गया। 105 मीटर बुलंद टावर्स पर कोयले के धुएं से फिजा को आलूदा करने का इल्जाम था। मज़ीद खबरें देखने के लिए विजिट कीजिए हमारा चैनल www.sajnews.com और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।